दूसरी जो चीज़ है वो है कीटनाशी की। कीटनाशी इसलिए आमतौर पर देखा होगा कि हम जब बीज उपचार करते हैं गेहूँ में तो केवल फफूंदनाशी से करते हैं, उसमें आप कार्बन डाइऑक्साइड कोई भी लाके उसमें डाल के और बुवाई कर देते हैं। तो जब हम फफूंदनाशी से बीज उपचार करते हैं तो केवल हम जो फफूंदजनित जो रोग होते हैं उनसे हम उसकी रक्षा कर पाते हैं, लेकिन ये हम अगर हम बात करें तो ये इनकम्प्लीट हुआ है ना, पूर्ण बीज उपचार इसको हम नहीं बोल सकते हैं। इसके लिए हम कीटनाशी के साथ साथ में जो हमारे लाभदायक जो सूक्ष्म जीव होते हैं उनसे भी उपचार करेंगे। तो फफूंदनाशी के अलावा जो अभी आपकी प्रैक्टिस में है, इसके अलावा जो कीटनाशक की जरूरत है, अभी आप लोगों ने देखा होगा कि पिछले 2-3 सालों में गेहूँ में एक वीट एफिड है कि समस्या देखने को मिलती है, हमारा जो गेहूँ है छोटा रह जाता है, पीला पड़ने लगता है, तो जिसके लिए हम जरूरत से ज़्यादा कीटनाशक का उसमें छिड़काव करते हैं और अपनी लागत बढ़ती है। तो इस लागत को कम करने के लिए हम इसमें कीटनाशक से भी उपचार करेंगे। इसके लिए आप थायमेथोक्साम 30FS फॉर्मेशन में जो मार्केट में उपलब्ध होता है उसको ला सकते हैं। इसके अलावा जो हमारे लाभदायक जो सूक्ष्म जीव होते हैं, आप सब जानते हैं कि गेहूं में नाइट्रोजन की बहुत ज़्यादा मात्रा में आवश्यकता पड़ती है ना, और हमारे वातावरण में भी पर्याप्त मात्रा में नाइट्रोजन उपस्थित है। तो इसको हम हमारी फसल में किस प्रकार पहुँचाएँ, इसको पहुँचाने के लिए सबसे जो कारगर होते हैं जो हमारे सूक्ष्म जीव होते हैं, तो बीजोपचार के लिए जो सूक्ष्म जीव इसमें उपयोग होंगे वो है एजोट्रोबैक्टर और एजोस्पर्म। तो हम इन तीन चीज़ों से, फफूंदनाशी से, कीटनाशी से और जो हमारे लाभदायक सूक्ष्म जीव है एजोट्रोबैक्टर एजोस्पर्म, इन तीनों से बीजोपचार करेंगे। तो इसकी विधि के बारे में आप चर्चा करेंगे। तो जब भी हम बीजोपचार करने बैठेंगे सबसे पहले हमें आवश्यकता है बीजोपचार करने के लिए आवश्यक चीज़ों की। एक तरा चाहिए या बिछा चाहिए जिसको हम आप बीज उपचार के लिए हम अपना जो गेहूं है सीड है हमारा उसको वहाँ पर बिछा सके। इसके बाद हमें आवश्यकता है दस्तानों की। दस्ताने बहुत ज़रूरी है क्योंकि अगर हम नंगे हाथों से अगर हम बीज उपचार करेंगे तो हमारे नाखूनों के माध्यम दवाई वगैरह लग सकती है, हमारे स्किन पर भी उसके प्रभाव पड़ सकते हैं, इसके लिए हमें दस्ताने की आवश्यकता है। इसके अलावा हमें 2 बर्तन चाहिए जिसमें हम अपनी जो दवाई है या जो हमारे केमिकल है उनको उसमें रख सकें। एक बड़ा कटोरा चाहिए जिससे हमारा जो कल्चर होगा मित्र सूक्ष्म जीवों का वो उसमें हम रख सकें, और थोड़ी सी मात्रा में पानी और थोड़ा सा मात्रा में जगरी या गुड़। तो ये हमारी आवश्यक सामग्री है बीज उपचार के लिए।